नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। 64 योगिनी, जब तक इनका ज्ञान ना हो तब तक तंत्र करने का और तंत्र चलाने का विज्ञान समझना कठिन है। हर दिन हर प्रहर ये तय होता है कि कौन सी योगिनी किस दिशा में बैठेगी और उसी हिसाब से तंत्र को चलाया जाता है। आज डेकोरम से हटके मैं आप लोगों को एक ऐसी साधना दे रहा हूं जिसमें एक शक्ति को आप अपने अधीन करके और उसको अर्धांगिनी स्वरूप में रख सकते हैं। ये साधना उन लोगों के लिए है जो सांसारिक नहीं है, जो साधक हैं और जो अकेले रहते हैं। अगर ये साधना कोई पारिवारिक इंसान करता है तो उसके जीवन में विषम संकट और परिस्थिति आ सकती है, इसीलिए इस साधना को वो ना करें जिनके घर परिवार में सब कुछ कुशल मंगल हो, जिन्होंने अध्यात्म को मार्ग चुन लिया है या जो समाज सुधार में निकल गए हैं, उनके लिए ये साधना सर्वोत्तम है। पहली बार एक ऐसी साधना दे रहा हूं जिसमें एक शक्ति को जो कि मनुष्य नहीं है आप पत्नी स्वरूप में अपने साथ रख सकते हैं। ये एक महाविद्या है। एक भोज पत्र पर कुमकुम से जो आपके मानस पटल पर योगिनी की चित्र हो उसको बनाए, खुद से बनाए, ठीक है, और उसके बाएं भाग में अष्टदल बनाए, ठीक है। अष्टदल समझते हैं ना, जो यंत्र का अष्टदल बनता है वो उसके बाएं साइड में बनाए। उसके बाद उसकी पूजा करें, उसका न्यास करें और फिर उसको स्थापित कर दे अपने पूजा स्थान पर या जहां भी अगले एक महीने तक आप उसकी साधना करेंगे। हृदय में ध्यान करेंगे जो भगवती है मधुमती योगिनी, वो विशुद्ध स्फटिक रूप की है। स्फटिक समझते हैं, बिल्कुल साफ, बिल्कुल श्वेत वर्ण की है, बहुत तरह के आभूषणों से सुशोभित है, पाजेब पहनती है भगवती, हार पहनती है, कयूर पहनती है और जो कुंडल है भगवती के वो रत्न जड़ित हैं। ऐसा उनका आपको ध्यान करना है। पहला आपने क्या किया, पहले आपने उनका बनाया एक चित्र। किस चीज से बनाया, कुमकुम से बनाया। किस चीज पे बनाया, भोजपत्र पे बनाया। उसकी पूजा करके आपने उसको स्थापित किया, फिर भगवती का ध्यान किया जिस रूप में मैंने आपको बताया। एक महीने तक जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा प्रतिदिन उसका 1000 जाप करना है। शुरू किस दिन से करेंगे, पूर्णिमा के दूसरे दिन से, मतलब प्रतिपदा से। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको पूरा एक महीने का समय मिलेगा इस साधना को करने के लिए। तो हर रोज उस चित्र के सामने बैठें, उसको पुष्प, धूप, दीप और नवेद दें, ठीक है, और इनकी पूजा तीनों संध्या के समय होनी चाहिए, ठीक है। आपको एक बार भी इनकी पूजा को छोड़ना नहीं है। एक दिन में 1000 जाप करेंगे। जब एक महीना आप एक पूरा जाप कर लेंगे तो अगले पूर्णिमा को सुबह उठ करके गंध, पुष्प, धूप और नवेद भगवती को अर्पण करेंगे, योगिनी को। जो आपने एक महीना नहीं अर्पण किया था वो था गंध, वो अब आप अर्पण करेंगे। एक दिन मतलब उस पूरे पूर्णमासी को आप घी का एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, ठीक है, और जो मंत्र आपको बताने जा रहा हूं मैं, उस मंत्र का आप दिन रात बिना गिने जाप करते रहेंगे। मंत्र क्या है ये सुन लीजिए। मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ अनुरागिनी मैथुन प्रिय स्वाहा। फिर
फिर से सुनिए, ओम ह्रीम आगच्छ अनुरागिनी मैथुन प्रिय स्वाहा। एक अंतिम बार बोल रहा हूं, फिर से सुनिएगा, ओम ह्रीम आगच्छ अनुरागिनी मैथुन प्रिय स्वाहा। अगर आपने जो इसका बहुत सिंपल विधि विधान है उस विधान से एक महीने तक जाप कर लिया और पूर्णिमा के दिन पूरा दिन समर्पित कर दिया और एकाग्रचित होकर के किया, तो प्रातः काल में देवी जो साधक है उसको दर्शन देती है, ठीक है, और पत्नी स्वरूप में उस साधक के साथ वास करती है। इनकी साधना से प्रतिदिन आपको अलग अलग तरीके की ये विद्या देंगी, जैसे देव कन्या, दानव कन्या, नाग कन्या, यक्ष कन्या, गंधर्व कन्या, इस तरीके की जो शक्तियां हैं ये आपको प्रतिदिन देती रहेंगी। स्वर्ग लोक हो, मृत्यु लोक हो या पाताल लोक हो, इसमें जो भी अभिष्ट वस्तुएं हैं जिसकी आप कामना करते हैं, ये आपको एक दिन के लिए सारी वस्तुओं को आपको समर्पित करेंगे, आपको सुख देंगे, ठीक है। और जो भी साधक का आदेश होता है उसी तरीके की सामग्री वो ला करके आपको देते हैं। वो आपको बहुत सारे ऐसे साधकों की कहानी है कि इनकी सिद्धि के बाद उनको हर रोज वो स्वर्ण मुद्रा ला के देती हैं, लेकिन इसमें एक ही बात है, आप निरोग रहिएगा, ठीक है, चिरकाल तक जीवित रहिएगा, ठीक है, आप सर्वज्ञ रहिएगा, आपको सब जानकारी होगी, आप सुंदर दिखिएगा, ठीक है, हर तरीके की शक्ति आपके पास होगी, बस एक चीज आपको नहीं मिलेगा, वो है परिवार। परिवार को इस साधना के लिए तजना पड़ता है। आप में से कई लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि मुझे परी साधना करवा दो, मुझे यक्षिणी साधना करवा दो, मुझे योगिनी साधना करवा दो। अब करो इस साधना को। ये साधना इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये देव कन्या है, देव स्वरूपा है, और इसको जब आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। इस साधना को करने से क्या होगा, एक तो शक्ति की अनुभूति आप लोगों को हो जाएगी, आप लोग शक्ति देख पाओगे, और आपकी औकात भी आपको समझ में आएगी कि आप बड़ी साधनाओं के लिए सक्षम हो या नहीं हो। दूसरा, जो एक लालच होता है लोगों के मन में कि साधना करने से अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है, और एक देव कन्या पत्नी स्वरूप में साथ रखेंगे, जैसे कोई मैसेज करता है कि परी को मुझे अपने पत्नी रूप में रखना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये एक 64 योगिनी में एक योगिनी की साधना मैंने आप लोगों को दे दी है जो कि बहुत सुंदर होती है। तो आप लोग इनकी साधना करें और खुद समझें कि शक्ति जो कि मनुष्य रूपी नहीं है उसको धारण करने से जीवन में आपको कितनी चीजें मिलती हैं और कितनी चीजें आप खो देते हैं। अंतोगत तो आप भी ये समझेंगे कि जितनी चीजें मिली नहीं उतनी ज्यादा चीजें आप लोगों ने खो दी हैं। मैंने एक किताब भी लिखी है, हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो आप लोग खरीद करके पढ़ सकते हैं फ्लिपकार्ट से और अमेजोन पर। उसमें आपको समझ में आएगा कि इस तरीके का जो नॉन ह्यूमन एंटिटी होता है उससे संपर्क करने से किस तरीके की हानि होती है। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना में आसन बंधन, दिशा बंधन, भैरव साधना या गुरु मंत्र से पहले की जितनी साधनाएं होती है वो सीखना है तो वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, नंबर है 9431188585। डायरेक्ट बात करने के लिए आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वेबसाइट है www.aghortantrahasya.com या www.aghortantrahasya.xyz। इसके अलावा आप कॉल मी फॉर पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 मेरा ID है, इस पर जाके आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। माँ भगवती महामाया आप सभी को चिरायु दे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।